यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। देश में कल अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा, वहाँ पर भी सलाह दी गई है कि भीड़भाड़ से बचें। इस बार विशेष रूप से सभी लोगों को प्रदेश में, विदेश में, देश में, विदेश में सभी को एक मौका देने के लिए दीपोत्सव में दीप जलाने का, डिजिटल दीपोत्सव का एक ऑप्शन दिया गया है। वो वेबसाइट जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी सायंकाल को लॉन्च करेंगे। जैसे ही वो वेबसाइट लॉन्च होती है उसके बाद कोई भी उस वेबसाइट पर जाके उसका लिंक हम सबसे शेयर कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट पर जाके अयोध्या में रामलला विराजमान के मंदिर में दिया जला सकता है, दीपोत्सव में भाग ले सकता है। तो ये दीपोत्सव का कार्यक्रम डिजिटली भी अवेलेबल है, आप अपना उसमें भाग ले सकते हैं। राम की पैड़ी पर लगभग 5,51,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसको कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दाखिल किया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में डिजिटली जुड़ सकते हैं, डिजिटली जुड़ेंगे तो वो संख्या का भी हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको भी उल्लिखित करेंगे कि डिजिटली इतने लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव में भाग लिया। तो कृपा करके सब लोग जो भाग लेना चाहते हैं वो डिजिटली भी भाग ले सकते हैं। वो लिंक हम जैसे ही वो हमारी वेबसाइट ऑन हो जाती है हम सोशल मीडिया, टीवी, अखबार के माध्यम से सबसे शेयर करेंगे। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उद्योगों को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, बैंकों के माध्यम से उद्योगों को सहूलियतें देकर ऋण प्रदान करके जो हमारे विद्यमान उद्योग हैं उनको कार्यशील पूंजी की मदद से उनके कार्यकलापों में कठिनाई ना हो उससे मदद की जा रही है। इसी तरह से नई इकाइयों की स्थापना का भी बैंकों के माध्यम से विशेष प्रयास किया जा रहा है। आज की प्रोग्रेस के हिसाब से बैंकों ने लगभग 4,37,000 जो विद्यमान पहले से ही चल रही इकाइयाँ थी जिनको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता थी उनको लगभग 10,850 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए हैं। प्रदेश में नए उद्योगों की, लघु उद्योगों की स्थापना के लिए जो लघु उद्योग हैं, MSMEs हैं, वो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6,24,202 नई MSME को बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है, फ्रेश लोन दिया गया है नया लगभग 18,330 करोड़ रुपए का। तो ये जो नई इकाइयां लगी हैं बैंक से ऋण प्राप्त करके 6,24,000, इन्हीं इकाइयों से, केवल इन्हीं इकाइयों से ही लगभग 25,00,000 रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार जहां आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में सबकी सहायता कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने पर भी काम कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्ति की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं और राज्य सरकार रोजगार, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार पर, ये तीनों पहलुओं पर कार्य कर रही है और जल्द ही मिशन रोजगार लॉन्च किया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रदेश में सरकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकार द्वारा जो नौकरियां, जो रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वो अवसर जो हैं सृजित किए जा रहे हैं, उनकी विवरण प्रेस से और सभी लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। किसानों के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान आसानी से क्रय हो,
उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो, उनके खाते में धनराशि तत्काल स्थानांतरित हो, इस क्रम में प्रक्रिया चल रही है और कल दिनांक 11 नवंबर तक लगभग 97 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी थी, जो कि पिछले साल की गई धान की खरीद से लगभग दोगुना से भी ज़्यादा है। दोगुना से ज़्यादा का मतलब है इस साल लगभग दुगनी मात्रा में किसानों से धान खरीदा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्रों की वो समय समय पर निरीक्षण अपने अधिकारियों से भी कराते रहें और खुद भी करते रहें, तो ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी ऐसी शिकायत ना आए कि किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया। धान समय पर खरीदें, उसको उचित मूल्य मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उसके धनराशि उनके खाते में तुरंत स्थानांतरित हो जाए। इसके साथ साथ मक्का क्रय का भी कार्य चल रहा है, लगभग 1 लाख मीट्रिक टन जो मक्के का लक्ष्य रखा गया है, अभी अर्ली अराइवल्स हैं, लगभग 70,000 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है और ये प्रक्रिया हमारी आगे भी चलती रहेगी। कल अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है, आप सबसे अनुरोध है कि डिजिटली भी आप दीपोत्सव में भाग लें। थैंक यू। तो यूपी सरकार के एम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां